व्यापारी किसान वर्ग के लिए जो जो सुविधा पत्रकार वार्ता के माध्यम के नाल 9 साल च किए गए कमास्टर बनाए ने पूरे देश के अंदर 144 क्लस्टर मेघवाल जी जिहड़े कि जिला चुनाव करण अर्जुन मेघवाल जी 9 साल बेमिसाल हम कह रहे हैं और उसके कहने के कुछ रीजन है। जो गुरुदासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमारा एक ऑल इंडिया प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के द्वारा दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल किस तरह का काम हुआ है, जो लोगों की जीवन में सुधार किया, गरीबों का कल्याण किया, गुड गवर्नेंस दी, जो भारत सरकार का पैसा कई योजनाओं में फालतू जाता था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके DBT दिया, सीधा खाते में जाने लग गया, करप्शन कम हुआ, ये 9 साल के जो अचीवमेंट हैं उस पर हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस अचीवमेंट के सार के रूप में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जी जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। आप देखिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 2G तक अटक गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार, और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5G में आ गए हैं। आप यू सी द स्पीड और स्केल दोनों हर सेक्टर में बढ़ाई हैं, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान का विषय हो, चाहे हमारे ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट से जुड़े हुए मुद्दे हैं जैसे करतारपुर साहिब का कॉरिडोर का मुद्दा है, ये इस तरह के मुद्दे भी हल किए हैं श्री राम। फाइव ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आया है, पहले पहले जो है ना वो कहीं और से आने की थी और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑन। हाँ यस यस 5G, हम आपको दिखा देते हैं अभी, हम हमारे यहाँ भी आपको भी हम दिखा देंगे। तो ये जो तेजी से काम हुआ है टेक्नोलॉजिकल, आप देखिए कैसे हाईवे बने हैं, चार ये जो हमारा जो चार धाम की यात्रा कितनी सुगम हो गई है, NH भी जस्ट डबल बन गए, रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो करीब करीब पूरे देश में पूरा हो गया, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बता जहाँ नहीं हुआ है, वंदे भारत ट्रेन चल गई, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जी। नारी उत्थान से लेकर के युवा कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर के किसान कल्याण से लेकर के आप किसी सेक्टर की बात करो, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी काम देख रहा हूँ, किस तरह का देखिए केदारनाथ जी का विकास हुआ, किस तरह का हमने गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले की प्राचीर पे जो डिस्प्ले किया, उनका इतिहास, उनकी शूरता, उनकी वीरता, वो देखने लायक थी, कितने लोग आए थे, ये सब चीज़ें जो हमने की है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ये 9 साल बेमिसाल। आज राज्यपाल साहब का कल रात एक सर बयान आया है कटारू चक मंत्री को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? कौन सा मंत्री देखिए, अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट आप तक कल क्लियर दिया ना कि भाई सरकार उसको डील कर रही है, और मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वही बात कर रहा हूँ मैं, अनुराग ठाकुर जी का कल ही स्टेटमेंट दिया है, प्रेस के सामने दिया है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने आप सबनों दस्या ही है कि 9 साल जिस प्रकार मोदी सरकार ने गरीब कल्याण नु समर्पित साल रहे ने, और ये अंदर देश का गौरव बढ़िया और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार गतिशील होया यदि पूरी जानकारी आप जी ने दी है, और ये सारिया गल्लां सामान्य जनमानस तक जाए ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਆਪਣਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ, 30 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ BJP ਜਾਏਗੀ, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किए गए कामों की जानकारी देगी, विशेष करके पंजाब के लिए किए गए काम शायद श्री करतारपुर साहब का लांघा है
चाहे सुल्तानपुर लोधी दे विकास दे लिए दिता पैसा हो, चाहे गुरुपुत्रा दे बलिदान दिवस नू वीरवाल दिवस के रूप च मनाने की गल हो, चाहे काली सूची समाप्त करने की गल हो, और सब तो वड्डा विषय 84 दे अंदर जिस कांग्रेस ने कतलेआम किया 84 दे दंगइयां नू सजा देन दा काम अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। ये सारिया गल्लां हर पंजाबी दे घर तक जाए, इहदे लई ये अभियान पार्टी ने चलाया। सर आम आदमी पार्टी के चेयरमैन स्थापित किए हैं मार्केट कमेटी के, उहदे विच सर एक बंदा जेल दे विच आ ते उहनां दा भी सर नाम विच आया आ। आम आदमी पार्टी का ये तो ही चरित्र समझ आता है, इतने ना कोई खाता है ना कोई बेही है, जो केजरीवाल चाहे वह सही है। इन्होंने कानून के भी दो मापदंड ने, इन्होंने भ्रष्टाचार के भी दो मापदंड ने कि जेल च बैठा इन्हों की बुद्धि तो तरस नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति जेल के अंदर बैठा है उन्होंने इन्होंने चेयरमैन बनाता, और हलका इंचार्ज भी जेल च है। ये हंकारी सरकार हलका हलका इंचार्ज नंगल माची बड़ा लेट गोपाल ਵਿੱਚ ਅੰਗੋਵਾ ਟੱਟ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਲੀ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਜਫੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਲਾਕ ਸਹੀ ਪਰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਸੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਤੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਕਲ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਖੋਣ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੋਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀਏ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। नहीं नहीं नहीं, देखिए जो राजस्थान में सरकार है वो मैनेजमेंट जानती नहीं है जी, वो तो दो खेमों में बटी हुई है, एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे हैं और एक अशोक गहलोत कर रहे हैं, इसलिए तो वहाँ गवर्नेंस तो है ही नहीं। उन्होंने कोई समय पे डिमांड नहीं देते, कोई ड्यूज है वो भरते नहीं है, तो फिर क्या करो? ऑल्टरनेट, क्योंकि लोगों को बिजली तो चाहिए। मिसमैनेजमेंट है जी टोटली राजस्थान में। अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल वा, अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया वा, वो शीश महल जी इन्क्वायरी चलती थी, उसकी फाइल जड़ी गैप हो चुकी है, किस तरह देखते हो? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारा जी के साथ, तब उन्होंने कहा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोई सरकारी गाड़ी का यूज़ नहीं करूँगा। सरकारी गाड़ी का भी यूज़ कर रहे हैं, झूठ बोले। उन्होंने कहा मैं सरकारी मकान में नहीं रहूँगा। सरकारी मकान में भी रहे, और मकान में रहे जो अलग है, कितना पैसा खर्च करके कितना बड़ा मकान बना दिया, ये सब जो है उनका माया जाल है, ब्रह्म जाल है, वो झूठ बोल करके सत्ता में आगे, जनता आप सब जानती है। फाइल का गैप होना, फाइल गैप कर दी गई। देखिए, इसलिए तो वो ये इसी काम में लगे हुए हैं ना। तो लेकिन अभी आपने देख ही रहे होंगे ना, उनके कई मंत्री जेल में हैं, धीरे धीरे सब मामले आ रहे हैं। आप देखिए, आपने पिछली बार भी पूछा था मैं आ रहा हूँ ना उनके लिए काम करने के लिए। धन्यवाद।